नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। बात करेंगे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की, जो कि कुछ दिनों पहले रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स को शिफ्ट किए गए। उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से इलाज के लिए वो फिलहाल अभी भी दिल्ली के एम्स में हैं। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव भले ही रिम्स से एम्स रेफर हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए अभी भी पेइंग वार्ड में कमरा आवंटित है। पेइंग वार्ड के प्रथम तल्ला के कमरा संख्या 11A उनके लिए आरक्षित रखा गया है। इसका वो किराया भी दे रहे हैं। रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के नाम से अब भी कमरा आरक्षित है, वो नियमित किराया का भुगतान कर रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं। सूत्रों ने बताया कि एम्स में इलाज के बाद अगर लालू प्रसाद यादव को दोबारा रिम्स रेफर किया जाता है तो कमरा की समस्या नहीं हो, इसके लिए आरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि 23 जनवरी 2021 को लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स से भेजा गया था। वे फिलहाल दिल्ली एम्स में ही इलाजरत हैं। रिम्स के उपाधीक्षक ने बताया कि लालू प्रसाद के नाम से अभी कमरा आरक्षित है, वो नियमित किराया का भुगतान भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि केली बंगला में शिफ्ट होने पर लालू प्रसाद यादव के लिए पेइंग वार्ड में कमरा आरक्षित रखा गया था। दोबारा शिफ्ट होने पर वो कमरा संख्या 11A में ही रहे। कमरा को छोड़ने और खाली करने के संबंधित जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। तो जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है लालू प्रसाद यादव के बारे में, देखिए पहले से ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब जब रांची से दिल्ली शिफ्ट किए गए लालू प्रसाद यादव, तो इस बीच कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। खबरें कभी ये भी आती रही कि लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक है, तो कभी कभी हमने आपको जो खबरें निकलकर सामने आई वो भी दिखाया और बताया कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर है। तो इस सूरत में अगर लालू प्रसाद यादव ठीक हो जाते हैं और उन्हें फिर से रांची रेफर किया जाता है, रिम्स में रेफर किया जाता है, तो उनके लिए कमरे की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से ही कमरा नंबर 11A को आरक्षित रखा गया है, जिसका किराया भी भुगतान समय पर किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। बात करें तेजस्वी यादव की, जो उनके बेटे हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी फिलहाल दिल्ली में उनकी देखरेख को लेकर पूरी सजगता बरत रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर तेजस्वी यादव नहीं मौजूद रहे। कारण कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर वो दिल्ली में ही बने हुए हैं। अब ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के जिस कमरा में रहते थे, वो कमरा अभी भी उनके नाम पर आरक्षित किया गया है, जिसका किराया भुगतान किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होती है कि दिल्ली से जब लालू प्रसाद यादव रेफर किए जाते हैं तो क्या कुछ होता है। हालांकि उन्होंने जमानत याचिका भी अपनी अर्जी डाली है, जमानत याचिका को लेकर उस पर भी सुनवाई 19 तारीख को होनी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब रांची लौटते हैं तो उनके लिए इसी कमरे का इंतजाम एक बार फिर से होगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।